Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. Today we are going to discuss new unit. New unit, ठीक है. We will start a new unit. That is unit second. That is unit second of our syllabus, ठीक है. Unit second, ठीक. इसमें हमें टच करना है जो यूनिट सेकंड का नाम जो है ना, दैट इज पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी. स्कूल्स ऑफ थॉट आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपका जो मेन सिलेबस में दैट इज पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी में कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स है, कैसे हम सोशियोलॉजी में हम चीज़ों को देखने की कोशिश करें, फिनोमेनास को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, देखें, बात करें फिनोमेनास के ऊपर, मगर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, फ्रॉम डिफरेंट व्यूज. पर्सपेक्टिव मीन्स नजरिया, आपके विचार क्या है किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है. देयर आर सो मेनी पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, बट जो मेजर पर्सपेक्टिव्स है, जिनको हम मेन पर्सपेक्टिव्स कहते हैं, वो चार है. फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव या एवोल्यूशनिज्म, जिसका क्या नाम है एवोल्यूशनरी और एवोल्यूशनिज्म, ठीक है. सेकंड पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिज्म, जिसको हम फंक्शनल थ्योरी भी कहते हैं, फंक्शनल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, ठीक. उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, कभी कभार मार्क्सिज्म भी कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज इंट्रैक्शनिज्म, इंट्रैक्शनिज्म विच डील्स विद इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शनिज्म इज द अनदर पर्सपेक्टिव, जिसके जरिए हम इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, मगर इसके अंदर और एक पर्सपेक्टिव है, एक नजरिया है, जिसका है, जिसका नाम है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव. तो यही कुल मिला के हमें इस यूनिट में चार पर्सपेक्टिव को पढ़ना है. फर्स्ट इज एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, सेकेंड इज फंक्शनलिज्म, फंक्शनल पर्सपेक्टिव, थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, एंड फोर्थ इज इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव या इंट्रैक्शनिज्म या इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी, ठीक है. इसको हमें पढ़ना है, ठीक. मगर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस दैट सोशियोलॉजी डील्स विद टू फिनोमेना. फर्स्ट इज माइक्रो फिनोमेना एंड सेकेंड इज मैक्रो फिनोमेना. माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एम आई सी आर ओ, माइक्रो माइक्रो एंड मैक्रो एम ए सी आर ओ, मैक्रो माइक्रो एंड मैक्रो फिनोमेना. माइक्रो किसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी में, हम बात करते हैं, हम सोशियोलॉजिस्ट बिल्कुल डील करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट्स. माइक्रो मीन्स टिनी, छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे फिनोमेना से, जिनको हम स्मॉल स्केल एस्पेक्ट्स कहते हैं, स्मॉल स्केल फिनोमेना कहते हैं सोसाइटी में. मैक्रो एस्पेक्ट्स, मैक्रो मीन्स लार्ज स्केल फिनोमेना, कैसे इंट्रैक्शन होती है थ्रू दिस गेस्चर्स, थ्रू साइंस, सिंबल्स, लैंग्वेज, ठीक है. तो इस चीज को, जब हम इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स वी आर डीलिंग इन माइक्रो एस्पेक्ट्स. माइक्रो छोटी छोटी चीजों से, मैक्रो मीन्स जब हम सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी का फोकस करेंगे, इट मीन्स मैक्रो सोसाइटी या फैमिली इज अ मैक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है. फैमिली में कौन सी छोटी छोटी चीजें होती हैं बेस में, जब इसके डीपली हम चीजों फैमिली को स्टडी करेंगे, तो वहां पे छोटी छोटी चीजें भी दिखेंगी हमें, जिनको हम माइक्रो एस्पेक्ट्स कहते हैं, जिनको हम माइक्रो फिनोमेना कहते हैं. समझाओ. मगर सोशियोलॉजी में ये चार पर्सपेक्टिव, इसके अलावा बहुत सारे पर्सपेक्टिव, मगर ये चार पर्सपेक्टिव्स अगर आपको बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी आपको पता नहीं है, इट मीन्स दैट यू डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग सोशियोलॉजी. ये बेस है, ये आपको आगे चल के काम आएगी. ये चार पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी में मैक्सिमम टाइम हम जहां जिस चीज की हम बात करें, ठीक है, जिस फिनोमेना के ऊपर हम बात करें, तो हम इन चार पर्सपेक्टिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे हम बता रहा हूँ मैं कि इन सोशियोलॉजी सोशल फिनोमेना कैन बी व्यूड फ्रॉम नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स.
जो मैंने आपको कहा, ठीक है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हम सोशल फेनोमेना को देख सकते हैं. सोशल फेनोमेना ये इंपॉर्टेंट है. सोशल फेनोमेना कोई भी चीज सोशल फेनोमेना हो सकता है, वट एवर वी हैव इन अवर सोसाइटी. हाउएवर, हालांकि, बट सोशियोलॉजिस्ट्स टुडे एम्प्लॉय 4 प्राइमरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स. कितने सोशियोलॉजिस्ट्स यूज कर रहे हैं? 4 जो प्राइमरली जो बेसिक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स है. वो पर्सपेक्टिव्स कौन है जो मैं अभी आपको बताया? पहला जो है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, याद रखना. सेकंड इज फंक्शनल पर्सपेक्टिव, थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, एंड फोर्थ इज जिसको हम इंट्रैक्शनिज्म कहते हैं. यहां पे मैंने लिखा है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव या इंट्रैक्शनिज्म. ठीक, राइट. ये 4 पर्सपेक्टिव आपको टिप ऑफ टंग याद होने चाहिए. ठीक है, ये याद होना चाहिए. देखिए मैं आपको बता दूं, सोसाइटी में अगर एक फेनोमेना, सोसाइटी एक चीज है, सोसाइटी एक फेनोमेना है ना, या सोसाइटी में मतलब कम्युनिटी है, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशलाइजेशन, वट एवर. ठीक है, तो सोसाइटी के ऊपर कैसे ये विचार कर रहे हैं, कैसे अलग लोग अलग अलग तरीके से वो अपना पर्सपेक्टिव नज़रिए रखते हैं रिगार्डिंग सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है या सोसाइटी इट्स अलग सोसाइटी के लिए. समझा? मैं बता दो, हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे सोसाइटी, खाली क्या लेंगे एग्जाम्पल, सोसाइटी को ही एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे सोसाइटी की, मगर जिससे हम ये बताएंगे कि 4 पर्सपेक्टिव्स को हम रिलेट करेंगे सोसाइटी के साथ और हमें पता चलेगा कि कैसे नज़रिया डिफर होते हैं, कैसे पर्सपेक्टिव, कैसे जो समझने का एंगल है ना उसमें डिफरेंस है. समझा? ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे. देखिए सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज आवर सोसाइटी, दिस इज आवर सोसाइटी है ना. सोसाइटी जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, इवोल्यूशनरी थ्योरी है या इवोल्यूशनिस्ट्स है, वो ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो चुकी है, सोसाइटी का ऑरिजिन कैसे हुआ है. सोसाइटी इवॉल्व मीन्स अनफोल्ड होना, कैसे सोसाइटी अनफोल्ड हुई है, कैसे. पहले जो सोसाइटी थी, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी में हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसको हम एस्टिक सोसाइटी कहते हैं. उसके बाद एंशियंट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जब सोसाइटी थोड़ा आगे बढ़ रही है, जब इंसान का माइंड वो थोड़ा डेवलप, तो उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी आ रही है, उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गई, उसके बाद अब आनी है सोशलिस्टिक सोसाइटी के. ये जो ऑरिजिन है ना, कि पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, अब क्या है, उसके बाद क्या आएगा, अगर हम इस चीज़ को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन को ट्रेस करना. किस चीज़ को? इसको हम कहते हैं इवॉल्व होना. क्या कहते हैं? इवॉल्व होना. ठीक है, इवॉल्व होना याद रखना. इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव या इवोल्यूशनिस्ट या जो इवोल्यूशनरी नजरिया से चीजों के ऊपर गौर फिक्र करते हैं, फॉर एग्जांपल सोसाइटी को वो कैसे देख रहे हैं, वो कहते हैं इस चीज पे फोकस करते हैं कि सोसाइटी का इर्तिका कहां से हुआ, सोसाइटी का ऑरिजिन कहां से हुआ, ये कैसे इवॉल्व हुई, इसमें जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो कैसे आगे बढ़े, पहले क्या थे, उसके बाद क्या, अब क्या है, आगे क्या होगा, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन पे वो फोकस करते हैं. इवॉल्व, हाउ थिंग्स गेट्स इवॉल्व्ड. समझा? ये एक नजरिया है, मगर फिनोमेना क्या है, एक ही है, सोसाइटी है ना. या वो समझ कैसे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, इनका फोकस किस पे है, इनका फोकस इस पे है कि कैसे चीजों का, चाहे कोई भी चीज है, उसका इर्तिका कैसे हुआ है, इंसान कितने आ वजूद, समझ, सोसाइटीज कैसे वजूद में आ गई, कोई भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे वजूद में आया. इवॉल्व, इवोल्यूशन की बात हो रही है, समझ, अनफोल्ड कैसे ये बिल्कुल स्प्राउट हुआ, इस चीज की बात हो रही है. मगर किसकी, ये जब हम किसके नजरिए से देख रहे हैं, जब हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से. अब क्योंकि इवोल्यूशन का नाम ही है इवॉल्व, ये पर्सपेक्टिव किस पे फोकस करता है, एवोल्यूशन पे, कैसी चीजें बिल्कुल ऑरिजिनेट हुई है. ठीक है, इसके बाद फंक्शनल पर्सपेक्टिव. फंक्शनल, फंक्शन का छन काम करना, छना काम करना, समझ, फंक्शन मीन्स काम, वर्क. फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या है,
फंक्शनल पर्सपेक्टिव अगर इसी अगर हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव के नजरिया से इसी सेम फिनोमेना पे सोसाइटी को देख लेंगे, ठीक है, हमें क्या लगेगा, हमें इस एज अगर मैं फंक्शनलिस्ट बन के इस सोसाइटी पे गौर फिक्र कर रहा हूँ, या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो सोसाइटी को इस नजरिए से देखता है कि सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रही है, सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं और उनका फंक्शन करना सोसाइटी के बैलेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये कौन फोकस कर रहा है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव इस चीज पे फोकस कर रहा है कि या फंक्शनलिस्ट जितने भी हैं वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, एक ही सोसाइटी को देख रहे हैं, फिनोमेना एक ही है, ठीक है, मगर वो किस चीज, उनका जहन, उनका एम, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी, उनका नजरिया ये है कि सोसाइटी के ऊपर बात करते हैं, मगर सोसाइटी हाउ सोसाइटी वर्क्स, सोसाइटी में फंक्शन कैसे होती है, सोसाइटी में फंक्शन, सोसाइटी के लिए फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर सोसाइटी फंक्शन नहीं करेगी तो सोसाइटी में क्या होगा, बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, हाउ वी विल मेंटेन द होल ऑफ द सिस्टम, समझ आओ, ये अगर हम फंक्शनलिस्ट की नजरिए से सोसाइटी को देखते हैं तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं, फंक्शन पे, फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अगर सोसाइटी में ये इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करना छोड़ देना, सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव, सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगी, कहने का हमें डीप में उस साइड नहीं जाना अभी, बल्कि हमें ये देखना है ये जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है ना ये किस अंदाज से सोसाइटी को देख रहा है, ये इस अंदाज से सोसाइटी को देख रहा है कि कैसे सोसाइटी फंक्शन कर रही है और सोसाइटी में फंक्शन करना कितना इंपॉर्टेंट है, जो सोसाइटी के पार्टर्स हैं उनका फंक्शनिंग कितना इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, फॉर मेंटेनिंग पीस इन द सिस्टम, समझा, कॉन्फ्लिक्ट, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, लड़ाई झगड़ा है ना, इसी को कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मीन्स वो नजरिया जो किस पे फोकस, जहां पे हमारा होली सोली फोकस किस पे होगा, आई अफसोस तो ये मैं वासन तो मार्कुजार मेचचचचम पाना मैं शेंगे तो एडन निंद्र खजन अरे खबर के दाएं कॉन्फ्लिक्ट नामन कलेजर से हमें पता चलता है व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट मीन, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ वर्णन लड़ाई झगड़ा, सोसाइटी में देखो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स, सोसाइटी जब सोसाइटी को व्यू करते हैं, सोसाइटी को ये फोकस करते हैं, सोसाइटी के ऊपर गौर फिक्र करते हैं, सोसाइटी को देखने की कोशिश करते हैं, वो किस चीज पे फोकस करते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इस चीज पे फोकस कर रहा है कैसे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, क्यों अराइज हो रहा है, किसके लिए अराइज हो रहा है, किस बेसिस पे, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो उनका नजरिया है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट है ना वो होली सोली सबसे पहले इसी पे भरोसा करते हैं, इस चीज को मानते हैं, आमने सामने रखते हैं कि सोसाइटी में वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, वी आर हैविंग देयर आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पीपल आर स्ट्रगलिंग, पीपल आर कंपीटिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू गेट दीज रिसोर्सेज, चाहे वो रिसोर्सेज पावर है, चाहे वो रिसोर्सेज वेल्थ है, चाहे वो रिसोर्सेज स्टेटस है, जो भी है, इस बेसिस पे लड़ाई है समाज में, अमंग पीपल, बिटवीन ग्रुप्स, इन सोसाइटीज, इन कम्युनिटीज, समझावा, विद डिफरेंट कम्युनिटीज, अमंग एसोसिएशंस, अमंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, मीन्स कि वो विचार कर रहे हैं, वो गौर फिक्र कर रहे हैं, मगर किस बेस पे, ना एवोल्यूशन पे कि सोसाइटीज कैसे इवॉल्व हुए है, ना फंक्शन पे सोसाइटीज कैसे फंक्शन कर रहे हैं, बल्कि किस बात पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, सोसाइटीज में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, किस चीज पे होता है, अगर सोसाइटीज में कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो क्या हमारी सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी, है ना, अगर सोसाइटी में कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट रह पाएगा ना तो सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो सोसाइटी को देख रहे हैं, सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फ्रॉम विच एंगल, कॉन्फ्लिक्ट, उनका एंगल डिफरेंट है, उनका सोच किस पे है, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, समझ आओ, इसके बाद नेक्स्ट इंट्रैक्शनिज्म, क्या इंट्रैक्शनिज्म, इट इज क्लियर जो इसका नाम है इस पर्सपेक्टिव का, इंट्रैक्शन किसे कहते हैं, इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शनिज्म,
it is clear from its name, interaction. Interaction means go baatcheet, conversation. Why we use symbols, why we use gestures, why we use language. Interaction, baatcheet, mulaqat, chana, interaction. Okay, interactionist perspective kya kehta hai? Interactionist perspective focuses on interaction of the people. How people are interacting with each other. How people are developing social relationships, coming into social relationships, magar with the help of interactions. Baatcheet karke, conversation karke. Soch samajh ke, ek dusre ke lafzon ko, ek dusre se baatcheet karke, lafzon ko use karke, gestures ka use karke, language ka istemal karke. Kaise log interact karte hain? How interaction becomes possible in our society, among the people, between the groups. ठीक है, without interaction there will be no society. Society नहीं होगी. तो जिन ये सारी रोज़ ये stop करे, तालो मुझे society पे क्या? कहाँ कहीं कथी? रोज़ survive can society survive? नहीं, society cannot survive without interaction in society. इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव जो है ना, इस वो बिल्कुल सोसाइटी की बात कर रहे हैं. फिनोमेना एक ही है ना, सोसाइटी पे वो बिल्कुल सोसाइटी को देख रहे हैं, मगर किस नजरिए से? कि सोसाइटी में लोग इंट्रैक्शन कर रहे हैं. सोसाइटी, हाउ पीपल आर इंट्रैक्टिंग इन सोसाइटी. ठीक है, हाउ मच इंट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी. कैसे लोग सोसाइटी में इंट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे वो सोशल इंट्रैक्शन के जरिए अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं विद ईच अदर. ये कौन बिलीव कर रहा है, इस चीज पे कौन भरोसा कर रहा है? इंट्रैक्शनिस्ट. इंट्रैक्शन इज अ पर्सपेक्टिव. मीन्स यहां से हमें ये निकल के आ रहा है, चीजें चार चीजें निकल के आ रही है. ठीक है, कि एवोल्यूशनरी, फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट एंड सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट. ठीक है, ये एक ही फिनोमेना को देखते हैं मगर अलग अलग नजरिया से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग एंगल से एक ही फिनोमेना की बात हो रही है. समझा? ठीक है, ये था पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा सा, ताकि आपका जहन इस चीज को रट ले या आपके जहन की इस तरह से प्रोग्रामिंग हो जाए कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम किसे कहते हैं, और हर किसी जो भी फिनोमेना होगा ना सोसाइटी में, उसको आप इन चार पर्सपेक्टिव्स के जरिए देख सकते हो. समझा? ठीक है, इसके बाद दीज पर्सपेक्टिव्स आल्सो ऑफर सोशियोलॉजिस्ट्स थियोरेटिकल पैराडाइम्स. याद रखना, यहां तक हमने पढ़ा कि चार पर्सपेक्टिव्स के जरिए बिल्कुल किसी सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है कि नहीं कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, मगर ये मेजर चार पर्सपेक्टिव्स हैं. ठीक है, दीज पर्सपेक्टिव्स आल्सो ऑफर सोशियोलॉजिस्ट्स थ्योरेटिकल पैराडाइम्स. पैराडाइम्स मीन्स मॉडल, पैराडाइम मीन्स एक स्ट्रक्चर. क्यों? फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस पीपल एंड वाइस वर्सा. ठीक है, ये पर्सपेक्टिव्स, इससे हमें ये पर्सपेक्टिव्स हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है किनको? सोशियोलॉजिस्ट्स को, कि किस तरीके से ये जो थ्योरेटिकल पैराडाइम्स है, ये जो थ्योरीज है, ये जो मॉडल्स है, ये जो स्ट्रक्चर हमने रखा है. ठीक है, तो ये जो मॉडल्स है, ये थ्योरीज हैं फॉर एक्सप्लेन, किस तरीके से हम समझ सकते हैं हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस पीपल. सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है किनको? लोगों को. और कैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज को? सोसाइटी को. तो कल हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनिज्म. ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनिज्म या एवोल्यूशनरी थ्योरी. यू तो आओ समझ यहां तक आपको, क्योंकि ये बेस है, ये समझ नहीं आएगा ना तो यू कांट अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी. ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है. हाँ, जो टॉपिक आपको मिल जाएगा, मैं अभी सेंड करता हूँ ये टॉपिक. ठीक है.